माल भी यूज कर रहे हो तो भी बहुत एक मुश्किल टास्क है बॉडी को बनाना माल यूज करके, क्योंकि शॉर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके मतलब हिप काम करना बंद कर देता है, हिप स्वेल हो जाता है 1 या 2 दिन के लिए, मतलब आप बैठोगे तो दर्द, उठोगे तो दर्द। और पैसा ऐसे बहता है इस चीज में, ऐसे बहता है कि आप सोच नहीं सकते, मतलब लाइक 30-40K 50K। हे यो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक फ्रेश कमाल फुल डे ऑफ जिम व्लॉग में, यानी कि आज बाहर सीटियाँ लग रही है भाई, सॉरी उसके लिए थोड़ा सा। तो आज हमारा एक फुल डे ऑफ जिम व्लॉग है जिसमें कि मैं पूरा दिन आपको शो करूंगा अपना दोबारा से कि आज हम क्या करने वाले हैं। अभी टाइम फिलहाल 11:30 होगा, मैं थोड़ा सा लेट ही उठता हूँ यार, क्योंकि मेरे को थोड़ी लेट नींद आती है, क्योंकि मैं लेट नाइट वर्कआउट करता हूँ। दैट्स वाई, मतलब मेरा 2 टाइम वर्कआउट होता है, एक सुबह अभी मैं जाऊंगा जिसमें मैं कार्डियो करूंगा थोड़ी देर, और फिर रात को मैं जाऊंगा 9-10 बजे जिसमें मैं 2-2.5 घंटे का 2.5 घंटे का एक बढ़िया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सेशन करूंगा। तो आज का व्लॉग इसी के ऊपर है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और पूरा दिन आपको ऐसे ही दिखाएंगे। एक प्रॉपर एक्सरसाइज बेस्ड नहीं है, बट एक रूटीन मैं क्या फॉलो करता हूँ उस पर बेस्ड ये व्लॉग है, तो बने रहे इस व्लॉग में। और हाँ, दिन की शुरुआत सबसे पहले गर्मा गर्म 1 लीटर पानी से करनी चाहिए, जो कि मैं करूँगा, इसे पीऊँगा, फ्रेश होऊंगा एंड देन जाके अपना कार्डियो के लिए जाएंगे। ओह, आरामदायक। सो गाइस, गर्म पानी ही पी के हो गया है एंड अब एक बढ़िया सी कॉफी पियेंगे और पी के तुरंत जिम चले जाएंगे। जिम जाके हमें करने हैं एब्स एंड कार्डियो। तो आज मैं आपको, मैं किसी भी व्लॉग में एब्स नहीं दिखाता हूँ, तो आज आपको अपना एब्स का भी रूटीन दिखा दूंगा, बट एज एन एक्सप्लेन करके नहीं दिखाऊंगा। किसी दिन एब्स के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, बट एक रूटीन मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली 300-400 रेप्स वाला रूटीन फॉलो कर रहा हूँ एब्स में, यानी कि 3 से 4 एक्सरसाइजेस विद 25 रेप्स ईच सेट, जिसमें कि डेली करता हूँ मैं एब्स, यानी कि डेली 2 दिन एब्स 1 दिन आपकी साइड्स। तो मतलब 3 या 3, और फिर से रिपीट कर देता हूँ वीक में, यानी कि 3 + 3 6 डेज, 6 डेज, और 1 दिन कंप्लीट रेस्ट लेता हूँ जो कि मेरा मंडे का दिन होता है। तो इसलिए आज ट्यूसडे है, दैट इज द फर्स्ट डे ऑफ माई वीक। मैं संडेज को वर्कआउट करता हूँ बट मंडेज को ऑफ लेता ही लेता हूँ, क्योंकि मंडेज को एक्सट्रीम भीड़ होती है जिम में, तो जाने का मुझे कोई सेंस लगता नहीं यार भीड़ भड़क के में। और ट्यूसडे से थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मंडे मंडे का जोश होता है लोगों में, मैंने ये चीज देखी है। तो लेट्स हैव अ कॉफी एंड देन गो टू द जिम एंड हिट इट। सो गाइज, डन विद द मॉर्निंग कार्डियो वर्कआउट प्लस एब्स वर्कआउट। और ये देखो टोटल कैलरीज आई बर्न्ड 870 कैलरीज। ये एक्टिव कैलरीज है, टोटल भी नहीं है, एक्टिव कैलरीज है। तो 870 कैलरीज तो एक बारी में बर्न कर रहा हूँ, तो सोचो पूरे दिन में कितनी बर्न हो जाती होंगी। अभी तो एक कार्डियो सेशन नहीं हुआ है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन तो हुआ ही नहीं है। सो गाइस, मैं घर आ गया था, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर रहे थे भाई, और मैं एक वीडियो देख रहा था गौरव तनेजा की, जिसमें कि अभी एक, देखो थोड़ा सा दिख रहा होगा तुम्हें, एक फ्लाइट अटेंडेंट कैप्टन को भाई एक पैसेंजर ने पेल दिया, मतलब फीड दिया, रीजन बीइंग कि भाई फ्लाइट काफी लेट हो गई थी। तो भाई ऐसी चीजें मत करो, क्योंकि इस वीडियो में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन है, आप जाके देख सकते हो गौरव चौधरी की, गौरव तनेजा की वीडियो, कि भाई ऐसा करना बीइंग का रीजन होता है कि भाई बहुत ज्यादा फॉग होता है दिल्ली में, और फ्लाइट्स को उड़ाना इज अ बिट ऑफ अ टास्क और इट्स इम्पॉसिबल, और सेफ्टी मेजर्स के तो बिल्कुल खिलाफ है ही है। तो भाई
उसमें कैप्टन्स की गलती नहीं है, ये बहुत ये फॉग की गलती है, और आप ऐसे उठ के मारपीट कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ रीजन। बट ये हमारी वीडियो का पॉइंट नहीं है, हम एक ओट्स मील बनाने के लिए आए हैं। और हाँ, हमारी एक भुर्जी बन के रेडी है, मैं अपने कुक से बनवा देता हूँ एक भुर्जी, क्योंकि 30 भाई बहुत टाइम लगता था मेरे को बनाने में, तो मैं अब पहले ही बना के रख लेता हूँ। तो एक भुर्जी रेडी है, मेरे को बस अभी ओट्स बनाने हैं, 120 ग्राम्स ऑफ ओट्स मैं खाऊंगा और बढ़िया से अपना फ्रेशन और अप होके अपने दिन की कामचर्या में लग जाऊंगा। और शोल्डर्स, ओह माय गॉड। सो गाइस, ये रहा ओट्स और ये रहे 2 पाउचेस ऑफ वे प्रोटीन, एंड इसमें डलेगी स्टीविया। भाई मैं कहूंगा भाई दुनिया का सबसे टट्टी प्रोटीन है, मैंने गलती से बाय कर लिया, मतलब कोई और ऑप्शन नहीं था मेरे पास, गलती से बाय कर लिया, अब झेल रहा हूँ मैं इसे। भाई इसका लैब टेस्ट भी देखा मैंने, मैंने पहले लैब टेस्ट नहीं देखा था, बट लैब टेस्ट भी देखा तो भाई आधा ही प्रोटीन है इसके अंदर। तो ठीक है, अब जो है फटाफट इसे ख़त्म करेंगे, कोई नहीं दूसरी बार। और भाई कोई प्रोटीन ब्रांड प्लीज़ स्पॉन्सर, भाई हम भी छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं, हमें भी स्पॉन्सर करो तो हम भी खुश होंगे यार, हम भी आपको कुछ ना कुछ सेल्स ला के देंगे। तो प्लीज़ स्पॉन्सर, आई नीड अ स्पॉन्सर इन इंस्टाग्राम पे भी प्लीज़। तो ये खाते हैं, ये वाली मील खाते हैं और चलते हैं फटाफट। सो गाइज, इट्स 2:33 इन द आफ्टरनून और अब मेरी पहली ओट्स मील चालू हुई है, इसे खाऊंगा। ओ, एक ही अच्छी मील है दिन में, ये ओट्स मील, मतलब मेरे को इतनी लत है ना इसकी कि भाई मुझे चाहिए ही होती है, चाहे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ चाहे नहीं कर रहा हूँ। बेस्ट बेस्ट मील है भाई, बेस्ट मैं तो कह रहा हूँ। तो ये आज डेली लाइफ का अगर ये व्लॉग है एक, तो आज इसमें काफ़ी सारी उलझुल बातें भी होंगी, मतलब अपने दिल की बातें भी करेंगे। तो बने रहे, ओटमील खाता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ जी तो गाइस, हम लोग भाई बैठे हुए थे, अपना रील एडिट कर रहे थे, एक नई रील पे काम कर रहा था मैं, रील और शॉर्ट दोनों कह सकते हो, अब मैं दोनों जगह अपलोड करूंगा। सो मैं बहुत दिनों से देख रहा था यार डेली व्लॉग वाली मिनी रील्स बनाई जाए, कोई वर्कआउट चैलेंज वाली नहीं। तो मैंने एक नई रील बनाई है, तो आप जाके चेकआउट कर लेना, बी फिट विद प्रांजल मेरा इंस्टाग्राम लिंक है वहाँ पे। तो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मैं उन्हें कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेहनत ज़्यादा है उस वाली रील्स में, और फिर रिजल्ट ना मिले तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। शॉर्ट्स पे भी मिल जाएगी आपको, जाके मेरे चैनल में देख लेना। अब मेरी सेकंड मील का टाइम है, जो कि बज रहे हैं शाम के 7 ऑलमोस्ट, और मैं खाऊंगा अभी एग भुर्जी, एक रोटी और 100 ग्राम चावल। रोटी और चावल 100 100 ग्राम, मतलब 50 ग्राम की रोटी और 100 ग्राम चावल। तो कार्ब्स मेरे पूरे दिन में लो ही है, आप लोगों को पता ही है, प्रोटीन बहुत ज्यादा हाई है, तो यही है। और थोड़ा सा फाइबर्स के लिए डालूंगा मैं सब्जी, जो घर में सब्जी बनती है, बट मेरे यहाँ बहुत लेस ऑयल के साथ बनती है। और आलू बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगा मैं इसमें, तो आलू नहीं, बिल्कुल भी नहीं फिलहाल, तो कुछ टाइम के लिए। तो ये मील उठाते हैं, थोड़ा सा कर्ड भी यूज़ करेंगे, ये मील उठाते हैं खाते हैं, और फिर इसके 1.5-2 घंटे बाद चलेंगे 9 बजे के आसपास जिम। तो यही है दिन की चर्या भाई अपना, अभी एडिट रील एडिट करते करते भी मेरे को 1-1.5 घंटा लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई वॉज रिकॉर्डिंग लाइक ये ऐसे फैक्ट टू फैक्ट टाइप्स। और जितने देर में मैं खाना गर्म कर रहा हूँ उतने में मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ यार। लाइक कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो हम लोग ना बॉडी के पीछे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं कि भाई बॉडी बनानी है बॉडी बनानी है, किस चीज़ के लिए बनानी है, इंस्टाग्राम पे शो करनी है, इधर शो करनी है, लड़कियों को दिखानी है, ये और वो। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अच्छी बात है बॉडी बना रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, भाई मैं तो कहूँगा कि अगर आप माल भी यूज़ कर रहे हो तो भी बहुत एक मुश्किल टास्क है बॉडी को बनाना माल यूज करके, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ स्टेरॉइड्स की, मतलब आप जब आपका शॉट लगता है ना, तो कुछ शॉट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके मतलब हिप काम करना बंद कर देता है, हिप स्वेल हो जाता है 1 या 2 दिन के लिए, मतलब आप बैठोगे तो दर्द, उठोगे तो दर्द, और उसमें आपको एक्सरसाइज भी करनी है, दो दो बार एक्सरसाइज करनी है। तो बॉडी बिल्डिंग इज नॉट अ ईजी टास्क कि भाई ऐसे ही बन जाती है बॉडी, नहीं बनती भाई, बहुत मुश्किलों से बनती है, मतलब आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी बॉडी बनाने में। तो जो बंदा बॉडी बना के बैठा है ना, चाहे उसने माल से ही बनाई हो, आप लोगों को उसकी पहली बात को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि भाई वो जैसे भी बना रहा है। और भाई मैं तो ये कहूँगा कि
ठीक है, अगर आप माल चलाना है अब वेल एंड गुड, आप चलाओ, बट भाई किसी कोच, अच्छे कोच के अंडर चलाओ, जिसे इसकी नॉलेज हो उसके अंडर चलाओ, और उसके रिकॉर्ड्स टेस्ट कर लो। क्योंकि आप ऐसे ही अपने हिसाब से चलाओगे तो ये बॉडी है भाई, कब ऊपर निकल जाओगे पता भी नहीं लगेगा, कब क्या फेल हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। रेगुलर चेकअप्स, और पैसा ऐसे बहता है इस चीज में, ऐसे बहता है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब लाइक 30-40K 50K इजिली अ मंथ स्पेंड हो जाता है। आपकी डाइट, आपका माल, आपका ट्रेनर का खर्चा, आपका जिम का खर्चा, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंडर कवर होती हैं। आपके ब्लड टेस्ट, और कुछ गड़बड़ हो गया तो और बड़ी दिक्कत। तो भाई इजी नहीं है, तो ऐसे मत समझा करो। सो गाइज, ये है मेरी एक फुल मील, जिसमें कि एग वाइट से काफी सारे मैंने गिने नहीं, क्योंकि मैं एक बार में 30 बना रहता हूँ और उन्हें डिवाइड करके खाता रहता हूँ। 50 ग्राम ऑफ रोटी, 50 to 60 ग्राम ऑफ राइस, और इसमें 60 to 70 ग्राम ऑफ ये सब्जी है, हमारे पास कर्ड है अराउंड अबाउट 200 ग्राम्स, और थोड़ी सी चटनी है, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, घर की बनी हुई है क्योंकि। तो इसे खाते हैं फुल ऑफ कार्ब्स, फुल ऑफ एवरीथिंग इट इज़, और इसे खाऊंगा, बढ़िया से एनर्जी आएगी, और वर्कआउट करूंगा जिम में जाके बढ़िया। ओके, सो गाइस बैक टू द जिम फॉर दी कार्डियो। 10 मिनट के लिए कार्डियो करूँगा, थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप कर लूँ, उसके बाद वर्कआउट करना शुरू करूँगा। थोड़ी जिम भी खाली हो जाएगी यार, 10 तो बज ही रहे हैं, 10:30 तक मैक्स जिम खाली हो जाएगी, तो रिकॉर्ड भी कर पाऊँगा सेशन ढंग से। फटाफट वार्म अप करते हैं, क्योंकि यार सर्दियों में ना वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, और दिल्ली में तो ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बॉडी गर्म ही नहीं हो पाती है। वार्म अप करते हैं और बैक का सेशन लगाएंगे, बैक एंड ट्राइसेप्स बढ़िया से। तो गाइस, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज बेंट ओवर बारबेल रोइंग, और ये सपोर्टेड वाली बारबेल रोइंग है। थोड़ा सा जुआड़ पट्टी से बेंच लगा रखी है, आपकी जिम में लग सके तो आप लगा लो, वरना नॉर्मल वाली बारबेल रोइंग तो है ही अवेलेबल हर जगह। तो मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा रिस्की है बट फाइन, ओके है। Como ficar rico se nós tem. Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. Se eu. E como ficar rico se nós. This is our second exercise. Back की लगा रहे हैं धीरे धीरे भाई, calves कम है और exercises ज्यादा। मूवमेंट को हिलने नहीं देना। Oh.
एज यूजुअल मेरी एक फेवरेट एक्सरसाइज होती है जिसके मैं कभी भी सेट्स नहीं गिनता, और वो मेरी बारबेल रोइंग है बैक में। और उसके थोड़ा हिसाब लगाया मैंने तो राउंड अबाउट सेम वेट से ही 10 सेट्स किए हैं। एंड अब बाकी सारी एक्सरसाइज के 4-4 सेट ही करूँगा विथ फुल इंटेंसिटी। सो ये ऑनली सेकेंड एक्सरसाइज चल रही है, लगाते हैं विथ फुल इंटेंसिटी। हमारी थर्ड एक्सरसाइज सिंगल हैंड रोइंग अपर के लिए, मतलब लाइक स्क्वीज करना है नीचे की तरफ। तो हाँ, बहुत सारी जिमों में इसकी मशीन होती है बट मेरे में नहीं है, तो मैं केबल से कर रहा हूँ। É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. So this is the fourth exercise which we are doing. और पसीना तो आ ही नहीं रहा कितना भी इंटेंस करो, क्योंकि यार मौसम इज़ लाइक 7-8 डिग्रीज और बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती, जैकेट उतारते बॉडी ठंडी हो जाती है। तो बट इंटेंसिटी पूरी चल रही है और हार्ट बीट भी अच्छी खासी चल रही है, 130-140 तो रेस्ट में ही चल रही है। तो लगाते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज, दिस वन रोइंग है ये भी, बट डबल हैंड लगाऊंगा, सिंगल हैंड नहीं लगा रहा आज मैं, डबल हैंड रोइंग लगाऊंगा वाली। और हाँ इसे लगाते हैं, और इंटेंसिटी भाई जो मेन चीज़ है ना, आप इंटेंसिटी पे फोकस करो। अगर आप इंटेंस वर्कआउट करोगे विद प्रॉपर स्क्वीज तो दैट्स द की। और अपने आखिरी पार्शियल रेप्स में आप रेप्स को कंप्लीट कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो वहीं से आपकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। Demais, eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai. Seu ano. E como ficar rico? So guys, done with the four exercises. This is the second last exercise. इसके बाद एक lower back exercise रह जाएगी। तो लैट पुल डाउन इज द एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फेवरेट्स, बट
इस जिम के हिसाब से मुझे ये वाली लैट पुल डाउन बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, बट इंक्लूड करना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन फील करना सीख चुका हूँ इस पर। बट जिसके यहाँ नॉर्मल लैट पुल डाउन है, मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट मशीन है, और उसमें अगर ये वाली ग्रिप आ जाए, दिस द न्यू ग्रिप, आई डोंट नो क्या कहते हैं, शायद यू ग्रिप कहते हैं, आई डोंट नो, बट जहाँ ये ग्रिप है कॉन्ट्रैक्शन और अच्छा हो जाता है। बट इस पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको एक लेवल चाहिए, मसल माइंड ऑफ कनेक्शन चाहिए। तो इसे लगाते हैं 4 sets अगेन, और फिर लोअर बैक करेंगे, एंड देन ट्राइसेप्स की 3 या 4 एक्सरसाइजेस। हा फक मैन, एक्सरसाइज बैक पुल लोअर बैक के लिए हमारी, स्लोली एंड सेफली। पूरा स्क्वीज, इस वीडियो के लिए वर्कआउट इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वरना व्लॉग, और फिर बड़ा व्लॉग अपलोड करना इज लाइक काफ़ी लोग देखते हैं काफ़ी लोग नहीं देखते हैं। तो अभी मैं ट्राइसेप्स करूँगा, ट्राइसेप्स की 4 एक्सरसाइजेस सेपरेट वीडियो में डाल दूँगा कभी, ट्राइसेप्स की अपनी बेस्ट 4 एक्सरसाइजेस। तो आज के व्लॉग में इतना ही था, अभी मैं जाऊँगा अपनी जो मील लूँगा वो आपको दिखाऊँगा घर जाके मेरे को क्या मील लेनी है, और उसके बाद अपना डे एंड करेंगे। तो चलो घर चलते हैं, इतने में ट्राइसेप्स लगा लूँ अभी मेरी, और अभी बैग ख़त्म हुई है, बैग ख़त्म करते करते 800 कैलोरीज बर्न कर चुका हूँ अभी, बाद 300-400 कैलोरीज उसमें चली जाएंगी ट्राइसेप्स में, तो भाई बहुत कैलोरीज बर्न होती है मेरी दबा दबा के, बिल्कुल फुल एंड फ्रेच। सो गाइस मैं घर आ गया था, और ये अपनी मील का टाइम है जिसमें कर्ड थोड़ा सा हमारा ये चटनी है होममेड, थोड़ी सी मैंने डाल ली है, हमने 100 grams ऑफ राइस लिए फॉर कार्ब्स, और ये हमारे एग भुर्जी, एग वाइट्स की भुर्जी, और ये तो फाइबर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही है, कुछ भी डाल सकते हो आप फाइबर्स के लिए, बट मैं ये पसंद करता हूँ क्योंकि खून भी अच्छा होता है इससे। तो अगर ये वीडियो आपने डेली ब्लॉग की यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, बी फिट विद प्रांजल। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द किसी ऐसी ही नई वीडियो में, लव यू ऑल, बाय बाय।